पानी आप ले रहे हैं, ये चलता रहेगा। ये कौन से गांव से लाए हो? किशनपुर, पीएससी के पीछे है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? है सुनील पासवान। अच्छा, देखिए रायबरेली के पीएससी कॉलोनी के पीछे गांव है किशनपुर, वहां से सुनील पासवान जो हैं इस बछड़े को लेके आए हुए हैं, लावारिस बछड़ा बता रहे हैं। पैर इसका लगभग बता रहे हैं, किसी ने कुल्हाड़ी मार दिया था और देसी इलाज उलाज किए, लेकिन इसमें मतलब खपाची वगैरह उसी समय बांधी गई होती तो पैर ठीक हो जाता, अब पैर सड़ गया है बुरी तरह से। तो यहाँ पशु चिकित्सालय में लाए हैं और इसको यहाँ डॉक्टर साहब ने बताया कि पैर अब काटने के अलावा कोई इलाज नहीं है। तो 156 रुपए का दवा खरीद कर लाए हैं अपनी जेब से, उसमें काफ़ी सहयोग मिला है दैनिक जागरण के विवेक मिश्रा की पत्नी समता मिश्रा, उन्होंने 100 रुपए दिए हैं, 56 रुपए मैंने लगाए हैं। मैं श्याम साधु बोल रहा हूँ। मेरा अंधे समाज से यही कहना है कि समाज में अगर इस टाइप की सेवा की बातें हमारे संत ज्ञानी ध्यानी महात्मा पूजा पाठ करने वाले लोग अगर इस ओर ध्यान दें तो असली पूजा यही है, महापूजा यही है, धर्म यही है। अनबोलता जानवर कह नहीं पाता, बोल नहीं पाता, लेकिन आज के समाज में इस काम को इसलिए लोग नहीं करते हैं कि उनको बताया नहीं जाता है। बताया क्या जाता है, मंदिर चले जाओ, फलाने के बच्चे को चुरा लाओ, तांत्रिक से मिल लो, उसकी हत्या कर दो, और कांवरिया जा रहे हैं शंकर जी में जल चढ़ाने, फिर भी वो ट्रक से दब के कुचल के मर रहे हैं। आखिर मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? अमरनाथ की यात्रा में गए हैं, वहाँ पर गोली खा रहे हैं, क्या नाटक चल रहा है भैया? इससे बढ़ कर के कौन सी अमरनाथ की यात्रा है? यह जबकि शंकर जी का वाहन है, शंकर जी का वाहन नंदी ये लेटा हुआ है, इसकी आप शकल देख रहे हैं। इस समय पशु चिकित्सालय के रामबली जी लगे हुए हैं, श्री राम लगे हैं, राम सजीवन लगे हैं, सामने लड़का भी बैठा हुआ है, श्री राम तो खैर यहाँ के सबसे बड़े हेड हैं, इस काम के में सबसे नंबर वन पर वही रहते हैं। आओ भैया, इसका रुकवाओ आके, थोड़ा ज़रा हाथ लगवा दो, और जो हाथ में कलावा बांधे हो ना, ये का कैंची से काट के फेंक दो। चलो हम शंकराचार्य के आगे कह दें, ये सब अलावा कलावा छलावा है, मंदिर वंदिर कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं, इसमें आपने हाथ लगा दिया 1000 लाख बार अमरनाथ की यात्रा आपकी हो गई, अगर नहीं हुई तो हमें कोई बता दे, समझा दे आके। अब ये काफ़ी सौ चुका है भाव, अब इसको इसकी कटिंग होगी। आप हाँ, अब इसको डॉक्टर साहब भी देखेंगे आकर के। आइए महाराज, तब तक आप इसको ऐसे उसी में अपना दिखाए रहिए, जरा डॉक्टर साहब आएंगे हम भी बैठ जाएं, बोलते हुए हम भी आ जाएं। वो तो क्या, हमको तो अंधे समाज को बताना है, जगाना है। ऐसे हाथ डालिए, आगे नहीं महाराज, यहाँ, अरे ये हाथ डालें आप, ये हाथ ऐसे डालें, अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये उंगली इसके अंदर, बस 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 आगे आगे नहीं जाएगी, हाँ आगे है लेंस, आगे नहीं जाएगी लेंस, बस बस अब इसी देखेंगे आपकी फोटो, नहीं नहीं इसमें वो दिखाइए जहाँ इसका घाव है, जख्म है, धीरे 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 आ रहे हैं ना, और थोड़ा इसे घुमाइए, डॉक्टर साहब जी आए हैं, आप थोड़ा इधर ले जाइए, डॉक्टर साहब जो है थोड़ा सा और ये भी पता लग जाएगा गैंग्रीन है कहाँ तक। नहीं आप
करके आपके एक्सीडेंट हुआ था क्या? नहीं बता रहे हैं, किसी ने कुल्हाड़ी मार दिया है। हाँ कुछ मारे राम बलि खड़े हैं, पट्टी काट रहे हैं। साधु जी भी खड़े हैं। एक लड़का सुनील है, इधर देखो सुनील बैठा हुआ है। Thank you.
इसकी इतनी दुर्गति क्यों हो रही है? अस्पताल वालों को इतना ज़्यादा झमेला क्यों झेलना पड़ रहा है? इसलिए कि हमारे यहाँ धर्म कर्म का जो सही धर्म का प्रचार नहीं है। सड़ा दिए, गला दिए, तब लेके आए। यही पहले लेके आए होते जब हमसे मिले थे तो आज इसका पैर भी ना काटना पड़ता और बड़े आराम से ये आराम से ये चलता फिरता। लेकिन अब चले आ रहे हैं, भैया ऐसा है वैसा है। पूरा गांव पीएससी कॉलोनी के पीछे गांव किशनपुर है, हैं पीएससी में मंदिर बना हुआ है। कार्यक्रम जब होता होगा तो हज़ारों लोग वहां जाते होंगे। इसमें हमारा जो हमारे इसमें सबसे बड़ा दोष जो है ये हमारे धर्माचार्यों का है, साधु संतों का है। असली धर्म क्या है, सही धर्म क्या है, किसी को नहीं बताते। बस अमावस में चले आओ, शिवरात्रि में चले जाओ और जल चढ़ा आओ, ऐसा कराओ वैसा कराओ, इसी में हमारा अंधा समाज झूल रहा है। ऐसे पशु की सेवा करना कराना, इससे बढ़ के कौन सी अमरनाथ की यात्रा है, कौन सा मंदिर है? हजारों शिव मंदिर बन गए आपके, समझिए। ऐसे काम में हाथ लगाने से ये खून की धारा बह रही है। 2 बज रहे हैं, पूरा स्टाफ सुबह से लगा हुआ भूखे प्यासे। हम लोगों की लापरवाही का खामियाजा ये पशु चिकित्सालय वाले झेलते हैं। हम लोगों की लापरवाही का अंजाम है ये। अरे शुरू में है, उसी समय ले आते तो ठीक गया, हो ठीक ठाक हो जाता, पैर भी ना काटना पड़ता। लेकिन इसका प्रचार ही नहीं हमारे समाज में। ऐसे कामों में बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, हैं कहीं लौटा पागल हो गया, लौटा घर से भाग गया, बदमाश लोग फरोटी में उसके क्या उसके बोलते हैं, जो वसूली करते हैं, पैसा मांग रहे हैं, 5 लाख 20 लाख लड़के अपहरण हो रहा है। सेठ जी राधे राधे हैं, क्यों उन सेठ जी को हमारे साधु संत धर्माचार्य बताते नहीं हैं कि इस टाइप के कामों में सेठ जी पैसा लगाइए? के लिए पैसा नहीं था हमारे पास, से आदमी लेके आया जो सुनील पासवान। तो हमने कहा देखो भाई इंतजाम हम कर रहे हैं, गए विवेक मिश्रा जो दैनिक जागरण में पत्रकार हैं संवाददाता, उनकी पत्नी से मैंने कहा, हमने कहा भाई समय घर पर बेटी भी नहीं है, दिल्ली में है, तो अगर हो तो आप कुछ इंतजाम कर दें, नहीं होगा तो हम तो अपनी पत्नी से लेंगे पैसा। उन्होंने 100 रुपये दिए। उन्होंने कहा कितना लगेगा? हमने कहा आप 100 दे दीजिए, बाकी 56 हम लगाएंगे। तो 56 में भी कंसेशन दुकानदार ने किया। ये दुकानदार स्तुति मेडिको बहुत भले आदमी हैं। आज सालों से वो हमसे कोई मुनाफा नहीं लेते हैं दवाइयों में। अब तो यह हालत कि जो वारिश वाले जानवर हैं वो भी मेरे पास आते हैं, साहब हम इलाज नहीं करा सकेंगे। और आपका नाम सुना है, अरे हमने कहा भैया नाम सुना है, नामे सुना है ना, लेकिन नामर नहीं है मेरे पास। लेकिन चलिए अस्पताल वाले हमारी इतनी इज्जत करते हैं, हम आपका काम जहाँ 500 लगना होगा वहाँ हम 300 में ही करा देंगे। अस्पताल के द्वारा सारा कार्य हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, हड्डी काटी गई है पूरी, पैर ही काट दिया गया है। डॉक्टर इसमें लगे हुए हैं काफ़ी जोर जोर से, पैंट खड़े हैं, जो जीन्स पैंट पहने हैं डॉक्टर।
पानी खून लोग चिल्ला रहे हैं सही चौक पर हो रही भाषणबाजी है, सब भोगते हैं, कोई बचा नहीं आज तक। अधिकारी महोदय देख पैर काटा जा चुका है, अब कांटे लग रहे हैं, सिलाई हो रही है। ड्रेसिंग होगी, हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा, राम जी ये रामबली जी जब इसका पैर काटते रहे तो ये बहुत जोर से ये छटपटाया का ही नहीं, मतलब क्या इसमें सुनने करने सुनने का दवा दे दिए थे ना। हाँ अच्छा, तो इसका पोर्शन सुन हो गया। अच्छा तभी काट पाए, वही तो काटे के तो अरे आफत मर जाता। हाँ समझ गया समझ। अच्छा इसकी ड्रेसिंग अब परसों होगी कि कल होगी? अभी ये यही रहेगा ना। हाँ ये तो यही रहेगा, चारा वारा ये देते रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, बाकी सारी चीज़ें जो है हम लोग करते जी 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 ना? हाँ हाँ, कौवा तेल ले आना जरा से एक शीशी में, तो उसी में दवा बना दिया जाएगा, तो इसमें जैसे बताएंगे वो लगाना पड़ेगा। यहाँ बहुत अरे ये पहले आया होता ना मालूम कभी ठीक हो जाता, लेकिन अब सारी लापरवाही हुई आपके तरफ क्या। और ऐसे टाइम आना चारा पानी लेके ताकि अस्पताल खुला रहे, तो जरा इन लोगों से थोड़ा इशारा कर दीजिएगा तो फिर आपका काम पहले हो जाएगा। ठीक, ड्रेसिंग करवा के चारा खिला के चले जाइएगा, हमारे ख्याल से एक हफ्ते 10 दिन लगेंगे, एकदम एकदम टनाटन हो जाए बछुआ, फिर ये भागत हुआ गांव जाई भागता हुआ जाएगा, ये एकदम एकदम ठीक हो जाएगा। मैं
क्या तजुर्बा है, क्या है तजुर्बा? अच्छा अभी पेपर में छप जाए? नहीं, हम पेपर वाले के नहीं दे, पेपर वाले का देना बंद कर दिया, कहे उनके बहुत ज़्यादा तेल मालिश लगाना पड़ा था ना, उनका इसे कहाँ है, कहाँ धर्म है, कहाँ कर्म है, ज़्यादा देने छोड़ दिया, ये सीढ़ी बन गई, अजर अमर हो गई, कहीं चलेगी, गांव में चलेगी, कहाँ चलेगी, क्या जानेगी, उसकी बातें अलग है। बहुत पेपर में छपा, क्या फ़ायदा हुआ, कोई समाज में किसी को नसीहत नहीं मिली, तब वही डर रहा, मारे भील के देखो शंकर जी के स्नान में, क्यों वो जनता तो है ही है, वो अंधी। हाँ डॉक्टर साहब, कल खाना, आप रहोगे ना, हमेशा रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वही वही आप।